रिकमेंड किया जाए, किस तरह के स्टॉक्स, क्या आप पीएसयूज लेना चाहेंगे, और अगर पीएसयूज पे आप बुलिश है तो किस पार्ट में आपको वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगते हैं पीएसयू बास्केट में? आई थिंक एक जो हम लोग ने बहुत बड़ा एक एक्शन देखा है पोस्ट द न्यू गवर्नमेंट कमिंग इन 2014 देन अगेन इन 19 एंड नाउ जो हम लोग लास्ट दो साल से देख रहे हैं इज दैट जो पूरा परसेप्शन अराउंड पीएसयूज रहा है उसमें एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. नाउ व्हेन दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस उसमें क्या होता है, एक तो उनको जो इनएफिशियंट पीएसयूज बोलते थे उनकी एफिशिएंसीज इंप्रूव हुई है. सेकेंडली गवर्नमेंट का फोकस रहा है कि हाउ टू रन दिस पीएसयूज लाइक प्राइवेट कंपनीज, एंड थर्डली उनका जो आई वुड से द हर्डल्स था वो सब हर्डल्स गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली हटाया है. नाउ सबसे बड़ा आई वुड से पीएसयूज में जो एक्शन होने वाला है यू विल फाइंड इन एनर्जी सेक्टर, डिफेंस, द मेटल्स एंड माइनिंग, एंड डेफिनेटली इन द बैंकिंग सेक्टर ऑल्सो. तो पूरा जो बास्केट है आई वुड से अक्रॉस स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी, माइनिंग, डिफेंस, ऑयल एंड गैस एंड बैंकिंग, ये पूरे सेक्टर, पूरे सब सेक्टर्स विद इन द पीएसयू बास्केट आई थिंक इज गोइंग टू सी अ मल्टीपल एक्सपेंशन इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स. तो वो एक बड़ा एरिया है जहां पे गवर्नमेंट का कंटिन्यूटी एंड इंक्रीज फोकस फ्रॉम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ऑल्सो ऑन पीएसयूज इज गोइंग टू इंक्रीज. हिस्टोरिकली हम लोगों ने देखा है कि एफआईआईज का पीएसयू में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, बट लास्ट एक साल में इवन दैट हैज चेंज्ड. हम लोगों ने काफी सारे एफआईआईज को देखा है हु हैव बीन ओपन टू बाइंग इनटू पीएसयूज. तो ये एक बड़ा चेंज है एंड आई थिंक दिस माइट कंटिन्यू